शहजादा थमी का नया प्रोजेक्ट आया लोगों के सामने, फैंस के सामने शहजादा ने पहली बार की अपने दिल की बातें। आखिर किस तरह के प्रोजेक्ट में वो आएंगी नजर, एक्टर बनने से पहले क्या था उनका पैशन। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। टेलीविजन के एक्टर शहजादा धमी काफी हफ्तों से सुर्खियों में बने हुए हैं अपने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर, जहाँ से उन्हें अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद शहजादा धमी को लेकर फैंस, ऑडियंस और उनके को एक्टर्स द्वारा काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को मिले, लेकिन जो उनके जेन्युइन फैंस हैं वो आज भी चाहते हैं शहजादा धमी को अरमान के किरदार में देखना, और साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी बेकरार है कि अब शहजादा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। हाल ही में खबरें सामने आई थी कि कलर्स टीवी के नागिन के फ्रेंचाइजी के 7th सीजन में जो एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसमें नजर आने वाले हैं एज अ लीड एक्टर शहजादा धमी। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने कुछ फोटोशूट्स की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया है जिसके दौरान उन्होंने काफी सारी चीजों का खुलासा किया है। शहजादा धमी का कहना है कि वो एक्टर बनना नहीं चाहते थे, उनका सबसे पहला पैशन था सिंगिंग। जब उनके घर में कुछ लोग जो पहले से ही म्यूजिशियन हैं, उन्हें वो हारमोनियम बजाते हुए देखते थे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें सिंगर बनना चाहिए। साथ ही साथ इस इंटरव्यू के दौरान शहजादा धमी ने अपने सिंगिंग का टैलेंट भी दिखाया और 2-3 अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए। उनका कहना है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर गाना गाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला पैशन है। एक्टर तो मैं आप लोगों की दुआ से बन गया, जल्द ही मेरा सिंगिंग का भी सपना पूरा हो, मैं यही चाहता हूँ मेरे फैंस इसकी दुआ करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा उनको फोटोग्राफी का भी शौक है, उनका पहला काम एज अ फोटोग्राफर ही था। अब इसके बाद क्या वो कलर्स टीवी में सच में नागिन 7 में एज अ लीड में नजर आएंगे या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सोशल मीडिया के जरिए आप उनके नए फोटोशूट्स के 3 नए लुक के फोटोज जरूर देख सकते हैं। फिलहाल शहजादा धमी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।